गिरिडीह में होली के साथ लोगों ने दिवाली मनाई। सिसिल गिरिडीह परियोजना के कबरीबाद माइंस का सीटीओ मिलते ही लोग खुशी से झूम उठे। 5 साल बाद कोयला उत्पादन की अनुमति मिली है। विधायक सुदेव कुमार सोनू समेत सिसिल के अधिकारियों ने नारियल फोड़कर कोयला उत्पादन का कार्य विधिवत शुरू किया। कबीरबाग माइंस से कोयला उत्पादन शुरू। 4 साल बाद शुरू हुआ कोयला उत्पादन। कोयला उत्पादन शुरू होने से जागी आस, स्थानीय लोगों में जागी रोजगार की आस। पिछले 4 वर्षों से बंद पड़ी सीसीएल गिरिडीह परियोजना के कबरीबाग माइंस से कोयला उत्पादन विधिवत शुरू कर दिया गया है। नारियल फोड़कर विधिवत इसकी शुरुआत की गई। इस मौके पर सदर विधायक सुदीव कुमार सोनू, डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, सीसीएल डोरी एरिया के जीएम मनोज कुमार अग्रवाल उपस्थित रहे। विधायक सुदीव कुमार सोनू ने कहा कि माइंस को सीटीओ दिलवाने में कड़ी मेहनत की गई है। सीसीएल के सीआर फंड से अब क्षेत्र का विकास होगा। में बड़ा खुशी का दिन है कि आज होली के मौके पर एक साथ होली और दिवाली मनाने का मौका मिला। 4 वर्षों के इस लंबे अंतराल में यहाँ की अर्थव्यवस्था के ऊपर बड़ा कुछ प्रभाव डाला है और यहाँ के लोगों के चेहरे पर मुस्कान और रौनक लौटे थे। और साथ साथ मैंने एक बात की और घोषणा भी की कि आज फरवरी माह में आपको सीटीओ मिल गया और मार्च माह में इस सड़क का लोग शिलान्यास कर देंगे, ये भी संभावना है। और बस गिरिडीह कॉलोनी का नक्शा कम से कम ऐसा बन गया कि 6 महीने बाद जब लोग आएंगे तो उनको ये समझने में दिक्कत होगी कि वही गिरिडीह कॉलोनी है कि दूसरा है। वही सीसीएल डोरी एरिया के महाप्रबंधक एमके अग्रवाल ने कहा कि यह परियोजना 150 करोड़ के नुकसान पर है। इस नुकसान से कोलियरी को बाहर निकालना पहला लक्ष्य है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा कोयला का उत्पादन करना होगा। कोल इंडिया के कर्मी इस कार्य को निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द कोलियरी को लाभ में लाना होगा और क्षेत्र के कल्याण का काम भी करना होगा। कोयले के उत्पादन नहीं होने के चलते या बहुत कम होने के चलते ये जो क्षेत्र लगभग 150 करोड़ रुपये का वार्षिक नुकसान में चल रहा था, उस नुकसान से पहले अपने क्षेत्र को बाहर लाए। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी माइंस एरिया अगर नुकसान में चलता है तो उसकी छवि अच्छी नहीं मानी जाती। कबरीबाग माइंस या गिरिडीह जो माइंस है, कोल माइंस है, ये गिरिडीह जिले का एकमात्र सरकारी उपक्रम है। अर्थव्यवस्था में इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पर करीब 20 से 25 हजार आदमी इस पर आधारित हैं। अब चालू होने से सभी को सुविधा होगा, सभी को रोजगार मिलेगा। डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि इस माइंस के शुरू होने से निश्चित तौर पर रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं स्थानीय लोगों में भी रोजगार की आस जगी है। लोगों को उम्मीद है कि कोलियरी के चालू होने से इलाके की तस्वीर बदलेगी। कहीं ना कहीं जब जल प्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोगों को इस तरह का मनोबल मिलता है तो हम लोग भी कहीं ना कहीं बहुत ही प्रोत्साहित होते हैं और प्रेरित होते हैं कि हम लोग भी अपना 100% अपना मेहनत करेंगे और अपने काम को इतना बेहतर कर सकेंगे कि त्वरित चीजों का क्रियान्वयन हो सके। चालू होने के बाद यहाँ के जितने भी मजदूर हैं वो सारे लोगों को काम मिलेगा और अपने रोजी रोटी कमाएंगे। लोग रोजी रोटी का रोजगार के ये में सब बाहर जा रहे थे, वो सारा लोग रुकेंगे। कबरीबाग माइंस चालू होना किसी सपने को साकार होने जैसा है। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है। लोगों को उम्मीद है कि माइंस क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। न्यूज 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।